हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है माँ क्रिएटिव किचन गार्डन में। दोस्तों, देख रहे हैं कि कितनी ये मैंने लगाने से लेकर के और ये जितनी जैसी जैसी होती गई हैं, समय समय से मैं अपडेट देती गई हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए कैसी फ्लावरिंग हो रही, कितनी खूबसूरत इसमें फ्लावरिंग हो रही भिंडी में। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी लग रही है ये जो है, और कितनी अच्छी अच्छी फ्रूटिंग भी होना शुरू हो गई है इनमें। देखिए फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक सब्जियों की बात ही कुछ अलग होती है, देख रहे हैं। अगर हम मार्केट से लेकर के आते हैं तो वो सब्जियाँ अगर बनाते हैं तो उन सब्जियों की बात देखिए, और घर की सब्जी जो घर में रेडी करते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से, जो हमारा किचन वेस्ट है और जो है हमारा ये काऊ डंक है, इन्हीं सब चीज़ों से हम लोग जो घरेलू चीज़ों से बनाते हैं करते हैं, 1% भी इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं रहती फालतू की। जो हम लोग मार्केट से फर्टिलाइज़र खरीद करके लाते हैं वो कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं रहती फ्रेंड्स। तो ये देखिए इसमें कितना जो है अच्छी सी फ्लावरिंग और हो रही है, और फ्रूटिंग भी हो रही है। कितने कितने हेल्दी पौधे हो गए हैं ये अच्छे ढंग से। और फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग सब्सक्राइब करते रहें, कर लें, क्योंकि मैं कोई सी भी चीज़ होती है मैं जीरो बजट से मैं सारी चीज़ों को बताती रहती हूँ। जो मैं करती हूँ वो आप लोगों को प्रोत्साहित करती हूँ कि आप लोग भी यही करें। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी सी फ्रूटिंग हो रही। जब मैं इनको हार्वेस्ट करूंगी तब भी मैं बताऊंगी आप लोगों को कि कितनी कैसी हार्वेस्टिंग हो रही, कैसी हुई है। देखिए फ्रेंड्स, कैसी हार्वेस्टिंग हो गई है। और फ्रेंड्स, मैं 24 घंटे में एक बार पानी दे देती हूं, और मैं शाम सुबह नहीं पानी देती हूं। हाँ, कभी कभी अलग की बात है कि पत्तियों को मैं नहला जाती हूँ आकर के, जैसे कि फ्रेंड्स आज ही मैंने कल मैंने पानी डाला शाम को, तो उतने क्योंकि लाइट थोड़ा सा परेशान कर रही थी, मैं टंकी का पानी नहीं डालती हूँ क्योंकि टंकी का पानी गर्म हो जाता है फ्रेंड्स, तो इनमें जड़ों में थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो उस दिक्कत के लिए मैं जब मोटर चलाती हूँ तभी मैं पानी डालती हूँ फ्रेंड्स। तो ठंडा ठंडा पानी होता है जिससे शाम को नहला देते हैं पेड़, जितने भी पेड़ पौधे हैं तो उनमें रात भर ठंडक रहती, फिर 24 घंटे के लिए बिल्कुल अच्छे से हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए मेरी, ये मेरी भिंडी की एरिया है, ये देख रहे हैं कि कितनी अच्छी अच्छी सी, कितनी सुंदर सी, कितने हेल्दी पौधे हो रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, और आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें फ्रेंड्स। और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कैसी हमारी ये टेरिस गार्डनिंग है, जो हम लोग टेरिस पर गार्डनिंग करते हैं, और जो है पड़ी ही रहती है छत। हम तो दोस्तों यही मैं कहूँगी आप लोगों से कि छत हमारी पड़ी ही रहती है, तो ज़्यादा वजन ना करते हुए, जैसे आप हमारे यहाँ तो लीव्स वगैरह बहुत आ जाती हैं, इन पेड़ों से हमारी बहुत लीव्स गिरती रहती हैं फ्रेंड्स। तो इन्हीं से मैं फर्टिलाइज़र बना करके तैयार करती रहती हूँ और मैं भर देती हूँ फ्रेंड्स। मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि आप लोग जो है बिल्कुल इसको ना ख़रीदें, जैसे ग्रो बैग है या कोई चीज़ है तो ऐसे आप क्यारी बनवा दें, ये बाउंड्री के आसपास जितनी भी है इसको क्यारी बनवा दें ऐसे करके, और इसी में सारा कुछ भरवा दें आसपास से बनवा। एक तरफ तो ऑटोमेटिक बाउंड्री होती, दूसरी तरफ ये बाउंड्री आप करवा करके, ये छत में हमारे सीलन भी नहीं होती है ये फ्रेंड। तो ये जो है ऐसे आप बाउंड्री करा करके और ये पटिया बनवा करके, ये जैसे पटिया है ये पटिया रखवा सकते हैं। ये देखिए जैसे ये पटिया ऐसे रखवाने के बाद में ये ऐसे पटिया रख बनवा करके रखवा दें, वैसे ये ईंटों से ऐसे इनको फर्श से ऐसे उठा कर रखवा दें। तो ये सबसे अच्छी चीज़ होती फ्रेंड्स कि हम लोग छोटे छोटे आइडियाज लेते रहते हैं और करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा एक ही मकसद है कि आप लोग भी नेचर से जुड़ कर के रहें। जब सब लोग नेचर से जुड़ कर के रहेंगे तभी फ्रेंड्स हम लोग जो है आगे चल कर के कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी सुंदर सी ये सब हो रही हैं, कैसी हो। देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोग ज़रूर बताएं। आज तो हवा बहुत चल रही है, मैं डायरेक्टली
वीडियो बनाने आई हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर ना देना पड़े तो जैसा भी है मैं वैसा दे रही हूँ। और फ्रेंड्स नेट का तो ये बुरा हाल हो गया है, देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये नेट का बहुत बुरा हाल हो गया है। तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, थोड़ी बहुत आकर के मैं संभाल देती हूँ आके, लेकिन फिर कभी अच्छे ढंग से मैं करवाऊँगी। तो फ्रेंड्स हमारा कहने का मतलब एक ही है कि दुनिया भर की चीज़ों से अगर हम लोग इससे नेचर से जुड़ कर के रहेंगे, क्योंकि शहरी जीवन हो गया है हम लोगों का, शहरी जीवन के साथ साथ में क्यों एकांकी जीवन इतना होता चला जा रहा है कि इंसान कोई किसी से मतलब ही नहीं रखता है। तो फ्रेंड्स अपने गार्डन में अगर नेचर से जुड़े रहेंगे तो प्रकृति इतनी अच्छा है कि प्रकृति हमको बहुत कुछ देता है, लेकिन हम आप समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम ही सब लोग मिलकर के ये प्रकृति के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो नुकसान तो हम ही होगा। तो फ्रेंड्स एक कसम उठाएं, शपथ लें कि हम लोग जो है मिल करके सारी साफ़ सफाई नेचर से जुड़ करके और जो है पेड़ पौधे लगाएंगे, छोटे छोटे प्रयास करेंगे, तभी हम लोग आगे चल कर के नेचर को बचा सकते हैं। जब नेचर बचेगा तभी हम लोग भी बच करके रह सकते हैं। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स मेरे साथ ऐसी बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।